भाई ऐसे रिक्शा कहीं पे भी नहीं है इंडिया में, कलकत्ता के अलावा। कलकत्ता में ये रिक्शा आज भी है, मतलब एक ह्यूमन आपको खींच के लेके जाएगा, आप बैठे रहोगे आराम से और वो पैदल आपको खींचते लेके जाएगा। मतलब क्या बोलूँ, दिल नहीं चाहते कि ऐसा रिक्शा में बैठूँ, क्योंकि इससे पहले ऐसा रिक्शा में कभी मैं बैठा नहीं हूँ। और मैंने उनसे बोला भी हूँ मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, एक बार तो खाली देखने के लिए बैठ रहा हूँ, आपको जितना चाहिए मैं दे दूंगा और बैठा हूँ। मतलब आप देखिए किस तरह से वो खींच के लेके जा रहे हैं। अंकल ज़्यादा दूर में लेके मत जाइएगा, मुझे छोड़ दीजिएगा आप जगह पे, इधर ही घुमा दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही हार्ड टचिंग है, मतलब क्या करें बेचारा लोग, अपने पेट को पालने के लिए इस तरह से करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब बस हो गया अंकल। तो आप लोग दिन में मतलब कितना कमा लेते हो इसको खींच के? कोई गारंटी नहीं। तो आप ये छोड़ के ये पैदल रिक्शा या मोटर वाला रिक्शा क्यों नहीं लेते आप? यार नहीं चलता, नहीं चलता है क्या? तो मतलब आप लोगों का भाड़ा कैसा रहता है, कितना दूर तक जाओगे तो कितना रहता है भाड़ा? भाड़ा जैसे दूरी वैसा भाड़ा। ये जो पूरा भीड़ है, उस भीड़ में भी अगर मैं बोलूंगा तो आप पूरा घुमा के दिखा सकते हैं वो भीड़ में? नहीं, उधर नहीं जाने देंगे। अच्छा, भीड़ में जाने नहीं देंगे आपको? अच्छा, हम सोचे थे आपको भीड़ में भी एक बार लेके चले जाएंगे बोल के। उधर नहीं जाने। तो आपने जो ये मेरे को लेके आया, आपको मैं अभी कितना दूंगा तो आप खुश होंगे? ₹100 देंगे पूरा खुश हो जाएंगे, पूरा खुश हो जाएंगे एकदम। ये लीजिए आपको एकदम नया नोट दे रहे हैं आपको। आप खुश है पूरा? आप बैठो, मैं एक बार खींचू आपको। हाँ, आप बैठिए, हम खींच के देखते हैं आपको। चलिए, थैंक यू अंकल। हेलो गाइस, मैं हूं शम्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम आए हैं कलकत्ता के वन ऑफ द फेमस बिगेस्ट चीपेस्ट और क्राउडेड मार्केट, न्यू मार्केट। और इस मार्केट में आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है एस प्लेनेट। आज ईद का मार्केट है और इस मार्केट में बहुत भीड़ है, मतलब इतने भीड़ है मैं आप लोगों को बोल बता नहीं सकता हूँ कितने भीड़ है। और यहाँ पे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई आसामीस में बात कर रहा है, कोई बंगाली में बात कर रहा है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई सिलेटी में बात कर रहा है। और मुझे ये सुन के मुझे लग रहा है कि यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। देखो, मुझे मैं क्योंकि आसाम का हूँ, मुझे भी बहुत सारे लैंग्वेज पता है, तो मैं आज यहाँ पे कोशिश करूँगा कि कितनी लैंग्वेज में लोगों से बात कर सकूँ और एक छोटा सा सर्वे करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं भाई। एक मिनट, कोई देखा इसको, कहाँ से आए? असम के? आप असम के कहाँ से? अपने लोग असमिया कब पड़ा? अच्छा, আপনারা বাঙালি তে মানে ওইখান থেকে আপনারা এখানে শপিং করতে আসছেন? ঘুরতে আসছো? আর নিউ মার্কেটটা প্রথম আসছো না আগে আসছিলে? প্রথম কেমন লাগলো আপনাদের? প্রচন্ড ভিড় কেন জানেন? তিন দিন চার দিন পরে ঈদ আছে। থ্যাংক ইউ। এটা আপনার চ্যানেলে ডালা হবে। আমার চ্যানেলের নাম হলো এমডি শামস, আমি প্রথম শুরু করেছি। থ্যাংক ইউ দিদি ভাই। আমার বাড়ি হুজাই, আমি হুজাই ছেলে। হ্যাঁ হুজাই, হ্যাঁ আমার হুজাই, হুজাই বাড়ি। চলো টাটা টাটা। কিতনা কা সুতি চাদর ভাই? হ্যাঁ আজ বহুত ভিড় হ্যা ক্যা? কিলো কভার ভি হ্যা ক্যা? छुट्टी के दिन है और ईद का भी मौसम है। यहाँ इतना भीड़ लगता है भाई, आज संडे का दिन है, बहुत भीड़ लगता है। तो आज के आज आपका तो बहुत कमाई हुआ होगा। कमाई इतना नहीं हुआ, तो भीड़ ही है, कहीं खरीदारी कौन कर रहा है। लेकिन लेकिन मैं मजा आ रहा है ना भीड़ देख के? मजा तो बहुत आ रहा है यार, हमको भी मजा आ रहा है, भीड़ का है ना। चलो, आपका ढेर सारे सेल हो आपका। I started in Fort Cochin, the south. Went there, Munnar, Chiconi.
plantations, Calicuts, Wynad Forest, Mysore. I was in Hampi for whole okay, year. Okay. Many, many places. So basically you are a traveler. I traveled all around India. So how you find the people of India are good or? Lovely to see the people of India all sharing their country together, no matter what state or religion that you are part of. It is very inspiring. And I love seeing all the families together and the market. Thank you so much, ma'am. For happy Eid to everybody. Eid Mubarak. Happy Eid. Eid. To everyone. Thank you so much. कहाँ से है कुछ बोलेंगे? कहाँ से है आप लोग? और क्या क्या खरीदे अब तक? रोल और जूता कपड़ा सब खरीदना हो। इससे भीड़ और पहले देखे थे कभी? हमेशा देखते हैं, हर साल देखते हैं। हमेशा देखते हैं क्या? हर साल आते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आके। हम लोग का निमार की फेमस है। अच्छा अच्छा अच्छा। অসমৰ নেকি আপুনি? অঁ মই অসমৰ হয়। এতিয়া ফুৰিব আহিছে নেকি? কামত আহিছোঁ। অঁ কামত আহিছা? মাৰ্কেটখন ফুৰি চাইছা? বহুত ভিৰ গৈছিলা ভিতৰত আপুনি? হা মই ইয়াতে থাকোঁ, মই ইয়াত থকা 5 বছৰ হ'ল। এনে আজি চানডে বুলি ফুৰিব আহিছোঁ আৰু এনে সৰু সৰু ব্লগ শ্লগ বনাওঁ কেতিয়াবা মনত থাকিব বুলি। আৰু আপোনালোক ক'ত অসমত ক'ত থাকে আপুনি? মই অসমৰ হোজাই ল'ৰা হয়, মই হোজাইত থাকোঁ। ঠিক আছে বাইদেউ। মেৰা নাম বিজয় দাস হে, কলকাতা কা তৰফ চে হুঁ মই। ঈদ মুবাৰক হো ভাই লোগ কো, আপ লোগ কো ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুৰা ঈদ মুবাৰক। মেৰা নাম নিতিন কুমাৰ শাহ হে, হম ইউপি সে হে, পুৰা ইণ্ডিয়া কো ঈদ মুবাৰক। বিশ্বনাথ কুমার দাস হে ভাই, সবকো ঈদ মুবাৰক, সব খুশি খুশি। মেৰা নাম সোনু, ঈদ মুবাৰক ভাই সবকো, আপ লোগ কো। দিনেশ দাস হে ভাই, ঈদ মুবাৰক সবকো। मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू भाई। हाँ, मेरा यूट्यूब का नाम सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। मेरा यूट्यूब का नाम है एमडी शाम्स, मैं नया चालू किया हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। फाइनली पूरा मार्केट घूम लिया हूँ और अभी घर जा रहा हूँ। बस पकड़ने के लिए आया हूँ यहाँ पे, शायद मुझे यहाँ से बस मिल जाएगा।